मेरी बेटी की कोई गलती होते तो मुझे बता देते। ये दर्द है एक माँ का जो मोर्चरी के बाहर खड़ी चिल्ला रही थी। आखिर घटना क्या हुई? मैं आपको बता दूं कि एक घटना घटी जिसके अंदर एक पति अपनी पत्नी की पीट पीट कर हत्या कर देता है। आखिर हत्या क्यों करता है? इसके पीछे जाकर जब पूरा पता किया इस मामले का, तो इस मामले में एक जांच का विषय है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आखिर जो घटना घटी वो घटना क्यों घटी, उस घटना को लेकर उस लड़के के बारे में पता किया तो लड़के के बारे में बताया जाता है कि वो लड़का पहले भी एक लड़की को लेकर घर पे आया था। इसको लेकर पत्नी पति के बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, लेकिन जैसे तैसे करके उस बात को शांत कर दिया। फिर मामला इतना बड़ा कि एक दिन पति ने अपनी पत्नी की आवेश में आकर लोहे की रोड से मार मार कर पीट कर हत्या कर दी। बताया ये भी जा रहा है कि मुंह में कपड़ा ठूंसा और उसके बाद में पत्नी की बेहरमी से हत्या कर दी। दो नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं, लेकिन ये घटना क्यों घटी, इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की तो उस लड़का था जो उसका पति था, उसने पहले अपनी पत्नी को, जो पत्नी थी उसको लेकर वो मंदिर गया और रील भी बनाई जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। लेकिन पति पत्नी के बीच में जो एक विवाद उपजा और उस विवाद को लेकर पति ने पहले तो हत्या की और हत्या के साक्ष्यों को उसने छुपा दिया और पत्नी की जो हत्या की उसको एक एक्सीडेंट बता दिया और पुलिस को यह बताया कि मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। जब उसके घर वालों को पता चला, माता पिता को पता चला लड़की के, तो वो थाने पहुंच गए और अपना जो जवाई था जिसकी वजह से ये पूरी घटनाक्रम हुई और उसको लेकर जो उसकी सास थी उसने बार बार यही बताया कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अब दो नन्हे बच्चे हैं, उनकी देखरेख कौन करेगा, लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं, इसके पीछे का कारण है वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। आए दिन समाज के अंदर इस प्रकार के क्राइम बढ़ता जा रहा है, पुलिस ऐसे मामलों की जांच तफ्तीश लगातार कर रही है, लेकिन जो घटनाएं घटती हैं, मैं इस घटना के अंदर एक जो व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी की हत्या की, लेकिन मैं उसका नाम आपको नहीं बताना चाहता, नए किसी समाज के बारे में, लेकिन ऐसी घटनाएं क्यों घटती हैं, इसके पीछे आधारित जो ये घटना है ये सच्ची घटना है और इसके लिए हम सभी जो जागरूक लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि ऐसी घटनाएं आखिर क्यों घट रही हैं, इसके पीछे क्या वजह रहती है, इनका कारण क्या है, आखिर सोशल मीडिया या फिर उनकी जो शिक्षा है वो सही रूप से नहीं हुई, इस वजह से जो ऐसी प्रकार की घटनाएं घटती हैं, फिर ये एक नया मोड़ ले लेती हैं, फिर पुलिस तक मामला पहुंचता है, लेकिन आखिर होता क्या है, आखिर उन दो नन्हे बच्चों का जिम्मेदार कौन है, आखिर उनका पालन पोषण कौन करेगा, और जो घटना घटी है जो दोषी है उसको सजा तो मिलेगी, लेकिन उसने जो ये घटना की है, आखिर समाज के अंदर ऐसे लोगों के लिए कोई ना कोई सजा होनी चाहिए कि ऐसे लोग क्राइम करते हुए भी डरे। एक बार आप क्राइम तक में जुड़े रहें, अगले नई घटना के साथ मैं आपके सामने फिर रूबरू होऊंगा, तब तक आप देखते रहिए क्राइम न्यूज़।